नगर में इंटर स्कूल से लौटती एक छात्रा के साथ बदसलूकी करने वाले दो आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े तो उन्हें सबक भी मिल गया। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे दुखद पहलू ये रहा कि बीच सड़क पर छेड़खानी की शिकार छात्रा की इसी दौरान हादसे में मौत हो गई। ये वाकया तब हुआ जब पीड़ित अपने दोस्तों के साथ साइकिल से घर लौट रही थी। उसी दौरान बाइक से कुछ मनचलों की टोली गुजरी और एक आरोपी ने पीड़ित छात्रा का दुपट्टा खींच दिया। ऐसा हुआ तो छात्रा का बैलेंस बिगड़ गया और वो पीछे से आती मनचले के दोस्त की दूसरी बाइक की चपेट में आकर बुरी तरह जख्मी हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। छात्रा के घर वालों ने छेड़खानी मामले में थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस वाले इसे सड़क हादसा बताकर टालते रहे। ऐसे में पीड़ित परिवार ने सीसीटीवी में कैद सबूत सामने कर दिया, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई को मजबूर हुई। जो इसमें नामजद अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपी दूसरे समुदाय के बताए गए, जिन्हें पुलिस मेडिकल के लिए ले जा रही थी, तो रास्ते में इन्होंने फिर एक कांड कर दिया। बताया गया कि आरोपियों ने पुलिस की राइफल छीनकर भागने की कोशिश की। ऐसे में इन्हें काबू में करने के लिए पुलिस ने इनके पांव को निशाना बनाकर गोली चला दी, जिसमें दो आरोपी घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 13 जनवरी से आतंकियों के खिलाफ शुरू हुआ एनकाउंटर आज भी जारी रहा। गडोले कोकेरनाग में जिस जगह पर आतंकी छिपे हुए हैं, वहां सेना ने भारी गोलीबारी की और रॉकेट लॉन्चर से आतंकियों के ठिकानों पर बम बरसाए। सेना की तरफ से की गई गोलीबारी से कोकेरनाग का पूरा इलाका दहल उठा। फिर से एक बार एनकाउंटर स्थान पर फायरिंग की आवाज शुरू हो गई है, धमाकों की आवाज शुरू हो गई है। आप सुन सकते हैं कि कैसे इस स्पॉट को जो है निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि कोकेरनाग की इसी पहाड़ी पर आतंकी उजैर और उसके साथी छिपे हुए हैं। शनिवार को यहां पर ड्रोन कैमरे में दो आतंकी भागते हुए दिखाई दिए थे और आतंकी आज रुक रुक कर फायरिंग भी कर रहे हैं। इसीलिए सुरक्षा बलों को ये पुख्ता यकीन है कि आतंकी जुबैर और उसके साथी बचकर भाग नहीं पाए और मौत के डर से इन्हीं पहाड़ियों पर छिपे हुए हैं। फिर एक बार उस गुफा का जो है कहीं न कहीं संकेत दिया है कि वहाँ मूवमेंट है, इसलिए उसको फिर रॉकेट लॉन्चर और जो UBGL है उनसे निशाना बनाया गया। लेकिन सुरक्षा बलों ने भी उन्हें जहन्नुम पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली है। दावा किया जा रहा है कि आज रात तक ऑपरेशन को खत्म कर लिया जाएगा, जिसके लिए सेना पहले से ज्यादा आक्रामक दिखी। सेना ने पीर पंजाल की पहाड़ियों पर हमले भी तेज कर दिए। और सेना को एनकाउंटर को खत्म करने में सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए आ रही है क्योंकि आतंकी उजैर खान भी वहां मौजूद है। उजैर खान जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला है और उसे पूरे इलाके की जानकारी है, इसीलिए उजैर पिछले 5 दिनों से अपने साथियों को बचाता आ रहा है। उसे हर नाला हर गुफा पता है, इसलिए वो उस ग्रुप के साथ है जिसने पहले दिन ये हमला जो है अंजाम दिया था। और कहीं ना कहीं आतंकी उजैर खान का यहाँ पर होना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि पीर पंजाल का ये जंगल एक तरफ से पुंछ राजौरी को मिलाता है जबकि दूसरी तरफ से किश्तवाड़ को मिलाता है, और इतने बड़े जंगल में आतंकियों को ढूंढना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है। इस वक्त सेना का एक्शन पीर पंजाल की उस लोकेशन पर चल रहा है जो भारत की तरफ है। हेलीकॉप्टर गश्त लगा रहे हैं, ड्रोन से पीर पंजाल की गुफा में छिपे आतंकियों को ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन असली धमाका तो LOC पर पाकिस्तान के कब्जे वाले POK में होगा, क्योंकि अनंतनाग में छिपे आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले रावलाकोट से होकर ही पीर पंजाल की पहाड़ियों पर दाखिल हुए और हमला किया। कल जिस तरह से हमने देखा कि हथलंगा में जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को खत्म किया गया, जहां 3 मिलिटेंट को मार गिराया गया, जब तीसरे मिलिटेंट का शव बरामद करने जो है इंडियन आर्मी गई, तो उस वक्त आर्मी के स्टेटमेंट के मुताबिक वहां पर जो पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी की पिकेट थी उसने फायरिंग की, उसने बाधा डाली उस शव को रिट्रीव करने में। पाकिस्तान ने पुलवामा की तरह ही अनंतनाग में लक्ष्मण रेखा पार की है और इस बार भी उसे करारा जवाब मिलेगा। न तो हिंदुस्तान की टॉप लीडरशिप चुप बैठेगी और न ही सेना, और एक बार फिर पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकी और उनकी आकाओं को घर में घुसकर मारा जाएगा। और यही वजह है कि अनंतनाग में हुई आतंकी वारदात के बाद से पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। भारत में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग हो रही है, तो वहीं पाकिस्तान की आवाम सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से थर थर कांप रही है। पाकिस्तान की आवाम को अच्छी तरह पता है कि अगर भारत ने हमला किया तो उनका देश सरेंडर के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा।
क्योंकि उनके टैंकों में तेल ही नहीं है। वहीं पाकिस्तान के पत्रकार अब खुले तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी सरकार आतंकवादियों को हिंदुस्तान भेजती है, आतंकियों को पनाह देती है, जिसका नतीजा है कि दोनों मुल्क आज आमने सामने हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अनंतनाग हमले के बाद भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो वो कब और कैसे होगा, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी। इसीलिए हिंदुस्तान की जनता सवाल पूछ रही है कि क्या इस बार भी रावलाकोट में ड्रोन से स्ट्राइक की जाएगी। अगर इस बार इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान में तस्वीर कुछ ऐसी होगी, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला करने की क्षमता रखने वाले हेरॉन ड्रोन को सेना ने अनंतनाग में काम पर लगा दिया है, ताकि हिंदुस्तान में बैठे बैठे पाकिस्तान के सारे टॉप टेररिस्ट को ठिकाने लगा दिया जाए, क्योंकि भारत के पास पाकिस्तान के टॉप कमांडर्स की लोकेशन की पूरी जानकारी है। जैश ए कमांडर के सरगना मसूद अजहर की लास्ट लोकेशन अफगानिस्तान बताई गई है। हिजबुल का सैयद सलाहुद्दीन आखिरी बार पाकिस्तान के रावलपिंडी में देखा गया था और लश्कर ए तैयबा के हाफिज सईद की लोकेशन लाहौर बताई जा रही है। अनंतनाग टेरर अटैक के बाद ये तीनों ही इंडियन आर्मी के टारगेट पर हैं। हालांकि ऐसे हमले बताकर नहीं किए जाएंगे, ये एक सरप्राइज अटैक होगा जो पाकिस्तान के पसीने छुड़ा देगा। Z News.